हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारा यूनिट नंबर 3 लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल हमने पोएम पढ़ी और उसके ऊपर से हमें अब लिखने हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट एन एक्रॉन ग्रोज इनटू, यानी कि जो एक्रॉन जो छोटा सा सीड डाला था उसमें से कौन सा ट्री हुआ। तो कौन सा था बच्चों? ओक ट्री। वेयर इज द एक्रॉन हिडन, एक्रॉन कहाँ पे छुपा हुआ था? तो द एक्रॉन इज हिडन डीप इन टू द अर्थ। वो अर्थ यानी कि हिडन, यानी कि छुपा हुआ था डीप इन टू द हिडन, अर्थ के नीचे छुपा हुआ था। वॉट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, यानी कि जो सीड्स है उसको ग्रो बड़े होने के लिए क्या चाहिए? तो अ सीड्स नीड्स वॉटर एंड सनलाइट टू ग्रो। किसी भी प्लांट या जो कुछ भी हो उसको बड़ा होने के लिए सनलाइट और वाटर चाहिए, यानी कि सूर्य प्रकाश और पानी चाहिए। व्हाट ग्रोज अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर क्या ग्रो होता है? तो बच्चों जमीन के अंदर मिट्टी के नीचे क्या ग्रो होता है? उसकी रूट्स, जो प्लांट्स डाली है उसकी रूट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल, यानी कि सॉइल के नीचे रूट्स ग्रो होता है, यानी कि उसके मूल। नेक्स्ट है, व्हाट ग्रो अबव द सॉइल, अबव यानी कि ऊपर, तो सॉइल के ऊपर क्या ग्रो होता है? तो द शूट ग्रोज अबव द सॉइल, यानी कि उसकी डाली और जो उसकी ब्रांचेस वो सब होती है वो। यहाँ पे है राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यानी कि जो यहाँ पे कुछ हमें ब्लैंक्स दी है उसके पीछे हमें वर्ड दिया है और वो वर्ड्स जो पोएम में यूज हुआ है वो लिखना है। ब्लैंक बेड, तो बेड कैसा था बच्चों? मॉसी, दलदला। ब्लैंक इन द अर्थ, तो डीप इन द अर्थ। रूट, तो रूट कैसे थे बच्चों? थ्रेड लाइक, यानी पतले धागे जैसे। शूट यानी टीनी, यानी छोटा। ब्रांचेस, ब्रांचेस कैसी थी? स्लेंडर यानी पतली। ऑक, ऑक कैसा था? माइटी, शक्तिशाली। तो बच्चों अब हमें देखना है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का मतलब आपको पता है, आप लोगों ने गुजराती में पढ़ा होगा कि विरोधी शब्द, जैसे कि बड़ा तो छोटा, फिर मोटा तो पतला, ये सब आप लोगों ने सुना ही है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि हमारी जो पोएम में अपोजिट वर्ड्स आए हैं वो। तो फर्स्ट अपोजिट वर्ड है हमारा NIGHT, नाइट। नाइट यानी रात और DAY डे यानी दिन, तो नाइट तो डे। UPWARD अपवर्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, और DOWNWARD डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ। डाउन यानी नीचे, यूपी अप यानी ऊपर। NEAR नियर यानी एकदम नजदीक, और FAR फार यानी दूर। NAROW नैरो यानी छोटा, और वाइड यानी बहुत ही बड़ा। बच्चों अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस, ट्री हमें क्या देता है? तो ट्री हमें बहुत सारी चीज देता है। कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है कि वुड, वुड यानी लकड़ी देता है। फ्रूट्स देता है, फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध हवा देता है। मेडिसिन्स, दवाइयाँ, जैसी तुलसी, अड़ूसी, ये सब प्लांट्स होते हैं वो हमें मेडिसिन के लिए काम आते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्री, और जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री के ऊपर अपना नेस्ट यानी कि अपना माला बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ट्रीज देती है। अब हमें देखना है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है, एन एक्रॉन इज द फ्रूट ऑफ द ब्लैंक ट्री। एक्रॉन कौन से ट्री का फ्रूट था बच्चों? तो इस पोयम में हमने कौन से ट्री की बात की? ओक ट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऑप्शन हमारा आएगा ए, और यहाँ पे हमने लिखा है ए। वेयर इज द एक्रॉन हिडन, एक्रॉन कहाँ पे छुपा हुआ था बच्चों? इन द ट्री, ट्री के ऊपर। अबव द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर। इन द शीड, शीड के नीचे। कि डीप द अर्थ, कि डीप यानी कि अर्थ के बहुत नीचे। तो कहाँ पे छुपा था बच्चों? डीप द अर्थ।
What does a seed need to grow? सीड को यानी कि जो हमने बीज बो डाले है उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? तो उसको बड़ा होने के लिए बच्चों क्या चाहिए? चलो ऑप्शन देखते हैं. ट्रीज एंड लीव्स, उसको ट्रीज और लीव्स चाहिए. वॉटर एंड सनलाइट, कि पानी और सूर्य प्रकाश चाहिए. सॉइल एंड रूट्स, मिट्टी और मूल चाहिए, कि सॉइल एंड सनलाइट, कि मिट्टी और सूर्य प्रकाश. तो बच्चों क्या चाहिए? वॉटर एंड सनलाइट. नेक्स्ट है बच्चों हमारा, व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के नीचे क्या ग्रो होता है? शूट, ब्रांच, रूट्स की लीव्स. तो बच्चों ग्राउंड के नीचे क्या होता है ग्रो? रूट्स. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी. व्हाट कम्स आउट अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या आता है बच्चों? रूट्स, शूट, शीड की सॉइल, तो शूट. व्हाट अपीयर्स ऑन द ब्रांचेस, यानी कि जो ब्रांच शाखाएं होती है उसमें क्या दिखाई देता है? सीड्स, शूट, लीव्स की रूट्स. तो बच्चों क्या दिखाई देता है? लीव्स, पत्ते. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद सेड, सेड के साथ कौन सा बच्चों जो राइमिंग वर्ड है वो मैच होता है? बेड, ड्यू, डे की अवे, तो सेड तो बेड. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अवे, अवे के साथ क्या आएगा बच्चों? अवे, तो डे, डीए वाय डे. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ग्रू, ग्रू तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा, ग्रू तो ड्यू. नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ रूट, रूट तो शूट. Which word in the poem rhymes with appear? Appear जैसा कौन सा है बच्चों? Wide ear, pride की shoot, appear, तो ear, same जैसा sound आता है ना. Which word in the poem rhymes with pride? Pride तो wide. बच्चों यहाँ पे आपको दो trees दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमें दिया है look at the pictures and answer the क्वेश्चंस, कि यहाँ पे आप पिक्चर देखो और उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. तो यहाँ पे बच्चों हमें दो चीज लिखनी है, एक तो हमें ट्रीज क्या देता है और कैसे यूज आता है वो लिखना है, और फिर एक है यहाँ पे आपको ट्री बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, कि जैसे यहाँ पे फ्रूट्स दिखाई दे रहे है, फिर नेस्ट है, फिर यहाँ पे मेडिसिन है, फिर वेजिटेबल्स है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. और इस साइड पे बहुत ही गंदा ट्री दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे टायर है, फिर काइट लगी हुई है, फिर ये ट्री रो रहा है, ऐसा आपको एक पिक्चर दिया है और नीचे हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. तो बच्चों उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. तो चलो बच्चों हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस, यानी कि ट्री हमें क्या देता है. तो बच्चों ट्री हमें बहुत सारी चीज देता है, हमने पहले भी देखा कि जैसे वुड है, मेडिसिंस है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, फिर हमें वो शेल्टर यानी कि हमें आश्रय शेड देता है, फिर बहुत सारी चीज है. तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वुड्स. ट्रीज हमें क्या देता है बच्चों? फ्रूट और वुड, यानी कि फ्रूट्स और लकड़ियां देता है. ट्रीज गिव्स अस अ फ्रेश एयर, वो हमें बहुत ही अच्छी शुद्ध हवा देता है. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज, यानी कि यहाँ पे जो ट्री है वहां पे बर्ड यानी कि जो पक्षियां होती है होते हैं वो अपना घर, नेस्ट यानी अपना माला बना सकते हैं. वैसे ही बहुत सारी चीजें कि ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन, ट्रीज गिव्स अस शेड, बहुत सारी चीजें जो ट्रीज हमें देती है. नेक्स्ट है हाउ डू वी हार्म ट्रीज, हम लोग ट्री को कैसे हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं. तो यहाँ पे है वी कट डाउन ट्रीज फॉर वुड, हमें लकड़ियां चाहिए तो हम क्या करते हैं? ट्रीज को काट देते हैं, तो उसको बहुत ही नुकसान पहुंचता है. वी बर्न द वुड एंड पॉल्यूट द एयर, हम बर्न यानी कि जो लकड़ियां होती है उसको हम जलाते हैं और उसकी जो उससे धुआं निकलता है उससे पॉल्यूट द एयर यानी कि पॉल्यूशन होता है और एयर खराब होती है. वेन वी कट ट्रीज, जब हम ट्री को कट करते हैं, वी डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ बर्ड्स एंड सो दे फ्लाई
अबे जब हम ट्री को काटते हैं तो वहां पे जो नेस्ट बना हुआ होता है वो डिस्ट्रॉय यानी टूट जाता है, और जो बर्ड्स होते हैं उसको वहां से फ्लाई करना पड़ता है यानी कि चले जाने जाना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो बच्चों हम एक बात सीखते हैं कि हमें ट्रीज को कट करना चाहिए नहीं, क्योंकि ट्रीज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें दे बहुत सारी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो हमें देती है। तो बच्चों याद रखो कि ट्रीज को कभी भी हार्म करना नहीं। नेक्स्ट है राइट अबाउट 5 सेंटेंस ऑन ट्रीज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसके ऊपर से हमें ट्रीज के बारे में लिखना है। तो चलो बच्चों हम लिखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट है हमारा शेल्टर। शेल्टर यानी आश्रय लेना। तो ट्रीज गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम हीट एंड रेन, यानी कि बहुत सारी धूप और बारिश होती है तो हम ट्री के नीचे आश्रय ले सकते हैं, यानी कि वहां पे खड़े होके हम सेफ रह सकते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज, बर्ड्स है वो अपना माला ट्री पे बनाते हैं। ट्रीज गिव्स अस वुड, ट्रीज हमें क्या देती है, वुड लकड़ियां। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, वो हमें फ्रूट्स देती है। ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन्स, वो हमें क्या देती है बच्चों, मेडिसिन दवाइयां देती है। ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, और वो हमें अच्छी शुद्ध हवा देती है। तो बच्चों ये हुए हमारे सेंटेंस। आपको इससे कोई और सेंटेंस आते हैं तो आप बना के लिख सकते हो। बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रीज के नाम दिए हुए हैं और एक पिक्चर भी दिए हुए हैं। तो आपको ये खुद से करना है कि जैसे कि अशोक ट्री, रोज प्लांट, कोकोनट ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, बनाना प्लांट और तुलसी प्लांट। तो ये सारे नेम्स हैं और उसके नीचे आपको पिक्चर्स दी गई है। तो ये पिक्चर्स आपको अच्छे से फाइंड करनी है, यानी कि ढूंढनी है कि अशोक ट्री है तो अशोक ट्री का पिक्चर इसमें कहाँ पे दिया है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में करना है। बच्चों यहाँ पे हमें एक ट्री दिया है और उसके पार्ट्स दिए हैं, हमें ट्रीज के पार्ट्स लिखने हैं। यहाँ पे लीव्स, बच्चों यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं वो, रूट्स यानी उसकी मूल, फिर फ्रूट, फ्रूट यानी जो ट्रीज पे आता है वो है, आपको पता है फल, ब्रांच यानी उसकी डाली, और ट्रंक यानी जो उसके जो उसका थल होता है वो। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये एरो है फ्रूट का, यानी कि यहाँ पे आपको फल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रूट। फिर ये है ब्रांच, ये जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है वो क्या है, ब्रांच, तो यहाँ पे मैंने लिखा ब्रांच। फिर बच्चों यहाँ पे आपको एरो बना के दिए है पत्ते, तो हमने यहाँ पे लिखा लीव्स। फिर ये रहा उसका थल, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रंक, और ये रहे उसके मूल यानी उसके रूट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा रूट्स। तो बच्चों आपको ये जो पार्ट्स है ट्री के वो अच्छे से सीख लेने हैं और लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो लिटिल बाय लिटिल पोएम था उसका पूरा क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीजें जो थी वर्कबुक में वो फिनिश होती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द एनोर्मस टर्निप के, एनोर्मस टर्निप लेशन के क्वेश्चन आंसर्स और दूसरी चीजें। थैंक यू।